A very good morning to all of you. 100 highly useful rules of grammar. Day 20. मैं आज ग्रामर से एक खास ट्रिक आप सभी के साथ साझा करूंगा. वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन काफी इम्पोर्टेंट होगा. वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. ये वीडियो जहां तक मुझे लग रहा है आप सभी के, तो आप शेयर करें, बहुत लोगों तक पहुंचाएं इसे. आइए समझते हैं. लेस, वेरी, कॉम्परेटिवली, रिलेटिवली और एनफ के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं. ये जो शब्द हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, इनके बाद कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करके क्वेश्चन दिया जाता है. आपको ध्यान यह रखना है कि इनके बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा वो अपने बेस फॉर्म में होगा, यानी सेकेंड फॉर्म कॉम्परेटिव डिग्री में कभी नहीं होगा. आइए क्वेश्चन समझते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 1, द वेदर इज कॉम्परेटिवली हॉटर टुडे. द वेदर इज कॉम्परेटिवली, पढ़ने पर तो ये अच्छा लगता है लेकिन यहाँ एरर है. कॉम्परेटिवली के बाद हम हॉटर नहीं लिख सकते. कॉम्परेटिवली के बाद फर्स्ट फॉर्म के एडजेक्टिव का यूज करते हैं, क्योंकि कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली का अर्थ होता है अपेक्षाकृत या तुलनात्मक. ये खुद ही तुलना का सेंस रखते हैं, अतः इनके बाद फिर कॉम्परेटिव डिग्री की जरूरत नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 2, सी इज लेस टॉलर देन आई. जैसे हम से अधिक को व्यक्त करने के लिए टॉल का कॉम्परेटिव टॉलर लिखते हैं, वैसे ही से कम को व्यक्त करना है तो हम लेस टॉल का यूज करेंगे. जो चीज अधिक हो सकती है उसको कभी कभी हमें कम कह के भी व्यक्त करना पड़ता है, तो वहां आप लेस का यूज करें. तो लेस खुद कॉम्परेटिव डिग्री है, लिटिल का कॉम्परेटिव लेस है, इसलिए टॉलर का यूज करेंगे. टॉलर के बदले टॉल का यूज करें. दिस हाउस इज रिलेटिवली न्यूअर. यह घर अपेक्षाकृत नई है, यानी किसी घर से हम तुलना करके बोल रहे हैं, फिर भी न्यूअर नहीं लिखेंगे क्योंकि रिलेटिवली का प्रयोग हो चुका. नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सन इज ओल्डर एनफ टू वोट. ओल्डर एनफ, एनफ यहाँ लगा हुआ है इसलिए हम ओल्डर का यूज नहीं करेंगे, ओल्ड का. लेकिन यहाँ एक प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि इसमें ऐसा क्यों हुआ कि बाद में एनफ चला गया, सब में तो पहले लग रहा है एडजेक्टिव, ये बाद में क्यों गया. ऐसा इसलिए होता है कि एनफ शब्द एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है. जब यह एडजेक्टिव का काम करता है तो नाउन के पहले रहता है, एडवर्ब का काम करता है तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में होता है. यहाँ यह एडवर्ब का काम कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव के बाद में आया, तो बाद में भी आया है तो ओल्ड ही लिखेंगे, ओल्डर कभी नहीं. नेक्स्ट, द ऑडियंस अप्लॉडेड हिम बिकॉज ही वॉज अ वेरी फास्टर बॉलर. तो ही वॉज अ वेरी, वेरी जब यूज कर लिए तो हम फास्टर का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे किसका, फास्ट का. तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपके साथ साझा किया लेस, वेरी, कॉम्परेटिवली, रिलेटिवली और एनफ के बाद हमेशा पॉजिटिव फॉर्म के एडजेक्टिव का यूज करते हैं. थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ. वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें.